हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ का चैप्टर है ये, और समझो ट्वेल्थ जो भी है वो यही है, ऑलमोस्ट यही है। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या चक्कर है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आपको बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जेई में क्या इंपॉर्टेंट है, नीट में क्या आएगा, ये सब कुछ क्या हमारी प्लानिंग होगी पढ़ाने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो सेक्शन है बाबू, एक तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो इसमें पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। पहले आपको हम रफ आइडिया दे देते क्या क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रो डायनामिक्स हो, यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रो होता है, इस इलेक्ट्रो का मतलब साफ है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो स्टैटिक्स होता है इसका मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक। और यहाँ जो डायनामिक्स है, इस डायनामिक्स में हम लोग देखते हैं चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रो यहाँ भी है तो यहाँ भी इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में। अब यहाँ समझिए इस दोनों में आखिर क्या क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो ट्वेल्थ में आपको लगभग 70-80% सिलेबस इसी का है, उसके बाद आपका दो ही टॉपिक बचता है, वो एक तो ऑप्टिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये खुद एक चैप्टर है, और दूसरा जो इसमें एक और चैप्टर इंक्लूड होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के बारे में जानो, ये कैपेसिटर जो चैप्टर है इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट बाद भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप दोनों जगह पे जहाँ चाहें वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। कैपेसिटर एक कॉमन टॉपिक के जैसा है, आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिक्स होने के जस्ट बाद पढ़ लीजिए या इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट बाद पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस हिसाब से आप इसको कैपेसिटर को आपको इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सर्किट पढ़ना होता है, आरसी सर्किट, रेसिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, जिसका नॉलेज आपको तभी प्योर हो पाएगा जब आपके पास कैपेसिटर के साथ साथ रेसिस्टेंस का भी नॉलेज होगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पहला जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, पहला जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो चैप्टर होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पांचवा एसी अल्टरनेटिंग करंट, और छठा जो है वो है ईएम वेव्स, ठीक है, छठा जो है वो है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब समझो ये सब टॉपिक आपका तब स्ट्रांग होगा जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग होगा। अगर आपका ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस दोनों चैप्टर आपका मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बस डायरेक्शन सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा अच्छे से सीखेंगे वेक्टर का, और बहुत बढ़िया आपका ये चैप्टर हो जाएगा। अब समझिए कि हमारा जो प्लानिंग होगा पढ़ाने का वो क्या है। पहले हम लोग हर चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज मैं स्टार्ट करूँगा, तो सब में आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी के साथ साथ जैसे एक थ्योरी बताए कुछ, उसके साथ उसका न्यूमेरिकल्स चलता रहेगा। उसके बाद नीट का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, नीट क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे। फिर जेई मेन,
इसका भी कंप्लीट अपलोड करेंगे और फिर जेई एडवांस के लिए भी हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। अब यहाँ समझो इसमें क्या डिफरेंस है नीट जेई मेन जेई एडवांस। तो नीट के क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन, जेई मेन का भी क्वेश्चन बैंक का आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, और जेई एडवांस का भी अपलोड हम लोग करेंगे। तो जेई एडवांस में जितना टाइप का प्रॉब्लम आता है, पैराग्राफ टाइप, मैचिंग, इंटीजर, ठीक है, अब तो इंटीजर जेई मेन में भी आने लगा, पैसेज है ना, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस टाइप प्रॉब्लम्स, सारे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। यानी कि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के लेवल से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर दोनों मिला करके लगभग लगभग आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 7 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको सीबीएसई बोर्ड में आता है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में कम से कम 2 to 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1-2 नंबर का क्वेश्चन और 1 ऑलमोस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन उठकर आता है। यानी कि बिहार बोर्ड में भी अगर आप इसका एवरेज देखें तो लगभग 7 to 10 मार्क्स के आसपास इसका एवरेज रहता है। अब हर चैप्टर के साथ थ्योरी, हर वीडियो में थ्योरी न्यूमेरिकल चलता रहेगा, और जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको एनसीईआरटी का होमवर्क भी देते रहेंगे, और एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन, चाहे एक्सरसाइज हो, एडिशनल एक्सरसाइज हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, वो टोटल हम अपलोड कर देंगे। आप उसको भी देख करके एनसीईआरटी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आएगी तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स या रे ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स का बहुत ही बेसिक, एक्सट्रीमली लो लेवल से एकदम फंडामेंटल तरीके से उसका वीडियो लेक्चर धीरे धीरे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स ये दोनों जो है इन सब चैप्टर से बिल्कुल अलग है, इंटर रिलेटेड नहीं है, एकदम डिफरेंट है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत रिलेशन है भी, तो वहाँ मैंने अपने वीडियो में क्लियर वहाँ पर आपको समझा दिया है कि कैसे रिलेशन हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी उसमें है, बोर्ड के लिए, जेई मेन, एडवांस, नीट सब के लिए कंप्लीट लेक्चर है, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगा। उसमें भी हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे, आप रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को भी चाहें तो साथ में लेकर के चल सकते हैं, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं और कम समय में सीख जाइएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वो है चार्ज, ठीक, चार्ज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपको कोरोना डिस्चार्ज, ये बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये भी कुछ उसी टाइप का ही है, लॉजिक उसका सेम है एकदम, जैसे ये कोरोना में क्राउडिंग से जो है सो आपको बीमारी फैल सकता है, उसी तरह कोरोना डिस्चार्ज में भी जहाँ पर चार्ज का क्राउडिंग हो जाता है वहाँ से चार्ज लीक कर जाता है, तो ये सेम ही है लगभग। अब यहाँ देखिए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कोरोना डिस्चार्ज, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यही इसका मेन जड़ है, मेन बेस यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें आपको बहुत सारा डेरिवेशन देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ते हैं, गॉस लॉ भी इसी में पढ़ना है और उसका भी बहुत सारा डेरिवेशन आपको देखना है।
तो डेरिवेशन जो देखना है वो किन बॉडीज का देखना है, आपको रॉड का डेरिवेशन देखना पड़ेगा, आपको रिंग का डेरिवेशन देखना है, स्फीयर देखना है, स्फीयर दोनों पढ़ना है आपको बाबू, स्फीयर आप चाहे हॉलो बोलो या सॉलिड बोलो दोनों स्फीयर आपको पढ़ने हैं, फिर आपको डायपोल पढ़ना है, फिर आपको सिलेंडर पढ़ना है, सिलेंडर भी दोनों हॉलो और सॉलिड, और फिर आपको शीट चार्ज शीट भी। इतने सारे बॉडीज़ का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सारा डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है, और इसको हम लोग अब बहुत अच्छे से और काफ़ी डिटेल में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से एक्सट्रीमली लो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। मेरे चैनल पे आपको ये फ़ायदा होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ वीडियो डाल दिए कुछ काट लिए, ऐसा नहीं होगा। जो भी अपलोड करेंगे कंप्लीट अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कंप्लीट मतलब थ्योरी भी कंप्लीट रहेगी, न्यूमेरिकल्स भी इनफ रहेंगे, इनफ क्या मोर देन इनफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो भी एडवांस लेवल तक आपको कोई समस्या नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ से कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो बोलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। अब रेस्ट कहने का मतलब भी अलग अलग हो जाता है। हो सकता है अगर चार्ज रेस्ट में है तो मान लो कि अगर चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो कैसा फील होता। अगर मान लीजिए कोई आदमी, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू, है ना। अगर इस चार्ज को हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, यू बराबर जीरो, कोई वेलोसिटी नहीं है। और कोई चार्ज एक और ऐसा ही चार्ज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि ये चार्ज भी जो है, ये एक प्रकार का ये भी जो चार्ज है ये भी रेस्ट में ही कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए आप इसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इसका जो न्यूमेरिकल अप्रोच होगा वो आपको इलेक्ट्रिक करंट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज करती है तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चला गया, वहाँ पर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट नहीं करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने पर, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहने पर, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पीड की बात करें अगर, तो स्पीड कांस्टेंट रहने पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब किसी आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकिएगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, और उस वक्त वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट होती है। तो स्पीड कांस्टेंट रहने पर भी जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। तो जो चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और जो चार्ज मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड वैरी करती है या कांस्टेंट रहती है तब भी। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो माना जाएगा, उस कंडीशन में फोर्स जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम लोग मानते हैं कि चार्ज रेस्ट में है। अब समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पढ़ रहे हैं इसका कहाँ कहाँ यूज है, आखिर क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्लियर लिखा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग, ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, तो ज़रूरत जैसे फ्लाई ऐश कलेक्शन, तो फ्लाई ऐश कलेक्शन जो होता है, जब आप पावर प्लांट जो होता है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, तो वहाँ पर जहाँ थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोयला को बर्न करते हैं,
जब कोयला बर्न होता है तो उसके जो ऐश बचता है, फ्लाई ऐश जो बचता है, उसको कलेक्ट करने के लिए नीचे भी जो है सो हम लोग लगा कर रखते हैं एक चार्ज बॉडी को, जिससे कि फ्लाई ऐश कलेक्शन में चार्ज जो है वो उस ऐश का और नीचे जो मेटल लगा हुआ है, जो कंटेनर लगा हुआ है, उसमें आराम से वो फ्लाई ऐश जो है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण नीचे आता रहता है और कलेक्ट होता रहता है। फिर जीरोक्स मशीन, जिसमें आप जीरोक्स फोटोकॉपी कराते हैं, आप नोट्स तो लिखते कम होंगे, छपवाते ज़्यादा हैं, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज़रूरत पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर भी बनते हैं। फिर जो पेंट और पाउडर कोटिंग जो स्प्रे होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी मूवीज़ में बॉटल टाइप होता है, उसको स्प्रे करते हैं वॉल पे और पेंटिंग बनाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फंक्शन पर काम करता है, जहाँ पर कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के भी लॉज अप्लाई होते हैं। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा मोटा डेफिनेशन। इसके क्या यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये भी आपको बहुत सारी जगहों पर नहीं बताया जाता है। हमने आपको बताया, आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका चार्ज। चार्ज क्या है? तो देखो, चार्ज जो है वो एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी बॉडी का कोई भी मैटर है उसका एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी और एनी मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑन इट्सेल्फ, है ना। चार्ज इज एन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है वो किसी भी मैटर का, किसी भी बॉडी का एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। एसोसिएटेड का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ है, इन बिल्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉडी जो दुनिया में है, सभी बॉडीज़ के पास चार्ज है। ऐसा नहीं है कि आप को जैसे इनबिल्ट प्रॉपर्टी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कोई बच्चा मान लो जन्म लिया तो वो सांस लेगा, ठीक है, वो ब्रीदिंग करेगा, उसके हेयर बड़े होंगे, उसके नाखून बड़े होंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, उसके अंदर डाइजेशन होगा ही होगा, वो खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, तो फिर एक्सक्रीट करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो जब जन्म लिया तो आप उसको सांस दिए, ब्रीद दिए, ऑक्सीजन दिए, तब जाके ब्रीद लेना शुरू किया, डाइजेस्ट का कुछ आप उसको डाइजेस्ट सिखाए तब डाइजेशन, ऐसा नहीं होता है। बाल उसको सिखाए कि बाल बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, वो ऑटोमेटिकली होगी। उसी तरह किसी भी बॉडी के साथ जो ये चार्ज है वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, उसको आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसमें रहता है। हाँ, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्लियर। दूसरी बात, चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर है तो वो सिंपल अलजेब्रिकल लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज फॉलोज द सिंपल अलजेब्रिकल लॉ फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहने का मतलब हुआ, आप उसको अगर ऐड करना चाहते हैं, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब है आप एडिशन करना चाहते हैं, आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, है ना, इस टाइप का जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं चार्ज के साथ, तो चार्ज सिंपल अलजेब्रिकल लॉ को फॉलो करता है, कुछ अलग सा स्पेशल लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, आप इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय क्यू, चाहे कैपिटल क्यू बोलो बाबू या स्मॉल क्यू बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसका SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट होता है इसका कूलॉम, ऑटो हॉफमैन कूलॉम के नाम पे ही इनको इसका ऐसा यूनिट फिक्स हुआ है, कूलॉम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम हो गया। चार्ज की जो पोलारिटी है, जो चार्ज का
टाइप्स है, वो चार्ज दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले ड्यूफॉग, ठीक है, ये सब कुछ स्टोरीज हैं जो सुन लीजिए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ड्यूफॉग, जो ड्यूफॉग साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप का है ना। ये इन्होंने सिर्फ ये बताया कि चार्ज दो टाइप का है ड्यूफॉग ने। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने सबसे पहले असाइन किया कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने सबसे पहले असाइन किया कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब ये जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट देखें, चार्ज की और भी यूनिट अगर आप देखते हैं, तो उसका एक और यूनिट होता है ESU, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इस हिसाब से जो 1 कूलम्ब होता है वो होता है 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब। ये CGS यूनिट है, ये जो ESU है ये CGS यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया इसका चार्ज का, आप क्या बोल सकते हैं 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो इस हिसाब से होता है 1 कूलम्ब बराबर 1/10 AB कूलम्ब, 1/10 AB कूलम्ब, ये ऐसा होता है, क्लियर, 1/10 AB कूलम्ब। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से नोट कर लें और अभी इसको फिर हम लोग अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, नोट कीजिए। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं कि चार्ज का आखिर यूनिट देख लिया तो डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, यहाँ देखो जब चार्ज है, चार्ज बराबर होता है करेंट इंटू टाइम। जब आप हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इट इज़ डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करेंट का जो डेफिनेशन है वो यही है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करेंट इंटू टाइम, तो यहाँ से क्यू बराबर जो करेंट है इसको हम लोग लिखते हैं ए और टाइम का डायमेंशन लिखते हैं टी। जब आप डायमेंशन लिखते हैं किसी चीज़ का तो आप उस पर स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, तो इस हिसाब से चार्ज का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया क्यू बराबर ए टी। तो ये चीज़ हमने देखा कि चार्ज जो है वो दो टाइप का चार्ज किसने बताया, ड्यूफॉग ने, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने सबसे पहले उस पर प्लस और माइनस क्रिएट किया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कौन कौन सा। तो पहला जो चार्ज होता है उसको हमने बोला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या आप उसको लिख सकते हैं प्लस क्यू, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो हमने बोला वो निगेटिव चार्ज, ठीक है, आप इसको माइनस क्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑटो हॉफमैन कूलम्ब जो थे जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की, वो उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेज रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेज हैं, डिफरेंट चार्जेज हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं सिमिलर चार्जेज और लाइक चार्जेज रिपेल each other and dissimilar charges or unlike charges attracts each other, जो unlike charges होंगे वो क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया प्लस क्यू, यहाँ भी हमने ले लिया प्लस क्यू, यहाँ ले लिए माइनस क्यू, यहाँ भी ले लिए माइनस क्यू, फिर यहाँ ले लिए प्लस क्यू और फिर यहाँ ले लिए माइनस क्यू। ठीक, तो ये दोनों सिमिलर चार्जेज हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने का कोशिश करेगा। तो बोलते हैं कि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या करेगा, दूर जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, डिसलाइक चार्जेज, डिससिमिलर चार्जेज, अनलाइक चार्जेज, डिसलाइक चार्जेज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी जो चार्ज आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेन खेला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी खेल है वो सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बराबर, आपको ये याद रखना है, वन माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यूज क्या करना है सो समझो, तो यूज करना है सिर्फ 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस और प्लस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है कि तीन चार्ज का सेटअप हमने बनाया, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई बाबू कि दो चार्ज अगर एक दूसरे के नज़दीक आता है या एक दूसरे के रीजन में आएगा तो रिपल्सन चाहे अट्रैक्शन फोर्स 100% लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगता ही लगता है। अब चाहे अट्रैक्शन का लगे और चाहे रिपल्सन का लगे, फोर्स तो लगेगा। तो यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है तो चार्ज भी है, न्यूट्रॉन के पास क्या है कि चार्ज नहीं है लेकिन मास है, प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज भी है और मास भी है। तो इस बात से क्या क्लियर होगा, तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो चार्ज है और जो मास है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज जो है वो क्या है, एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज जो है वो एसोसिएटेड है मास के साथ, यानी कि जब तक मास नहीं रहेगा तब तक चार्ज नहीं रहेगा, मतलब मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है लेकिन चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। फिर से समझो, मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है लेकिन चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कैसे, तो यहाँ देखो जैसे इलेक्ट्रॉन में हम लोग लिखते हैं यहाँ माइनस वन, ठीक है, और जनरली जो यहाँ पर हम लिख देते हैं वो जीरो लिख देते हैं। प्रोटॉन में अपन यहाँ लिख देते हैं प्लस वन वन, न्यूट्रॉन में जनरली हम यहाँ लिख देते हैं जीरो और वन, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ देखो न्यूट्रॉन में क्या है कि यहाँ चार्ज नहीं है लेकिन मास है, क्लियर, न्यूट्रॉन में जो है वो चार्ज नहीं है लेकिन मास है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ चार्ज है, मास जीरो नहीं होता है, एक्चुअली में जीरो नहीं है, मास इसका कितना होता है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10^-31 kg, ये इतना है, या फिर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 इंटू 10^-28 ग्राम, तो मास तो है, क्लियर, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो कंप्लीटली चार्जलेस पार्टिकल होता है। अब यहाँ समझिए, उसके बाद इस पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर के बाद एक और थ्योरी आई थी चार्ज के लिए, विट्रियस थ्योरी एंड रिजनियस थ्योरी। तो विट्रियस थ्योरी और रिजनियस थ्योरी जो है वो क्या था वो समझ लो, तो विट्रियस थ्योरी ये बोलता था कि अगर आप किसी रॉड को, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि विट्रियस एंड रिजनियस चार्ज ये क्या होता है, ये बहुत ही ओल्ड क्लासिकल थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है जो कि वैलिड अब नहीं रही,
तो विट्रियस जो चार्ज था वो क्या था वो समझो, ठीक है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रॉड यानी कि कांच के किसी रॉड को, कांच की छड़ को हम लोग सिल्क कपड़े के साथ रगड़ते हैं, देन ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, उसी को हम लोग बोलते थे विट्रियस चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते थे विट्रियस चार्ज, ठीक है। तो ये जो विट्रियस चार्ज है इसमें होता, ये विट्रियस चार्ज आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक लैटिन वर्ड होता है विटम, तो इस विटम का लैटिन वर्ड जो विटम है इसका मतलब होता है ग्लास। इसीलिए जब ग्लास रॉड को चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रगड़ रहे हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसलिए इसको बोलते थे हम लोग विट्रियस चार्ज। दूसरा जो आपका रिजिनियस चार्ज है इसका क्या चक्कर हुआ था, तो इसका देखिए क्या था, व्हेन अंबर इज रब्ड विथ ऊल, ऊन के साथ जब अंबर को रगड़ते हैं, देन निगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था और उसी निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे रिजिनियस चार्ज बोलते थे। तो आखिर ये थ्योरी, यानी कि पहले पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से बोलने से पहले भी ये थ्योरी काम करती थी, विट्रियस चार्ज और रिजिनियस चार्ज की थ्योरी काम करती थी, पॉजिटिव को विट्रियस और निगेटिव को रिजिनियस चार्ज बोलते थे, तो फिर ऐसा बोलना बंद क्यों किया गया। ऐसा इसलिए बंद हुआ कि जो अर्थ ग्लास रॉड थे, जो अर्थ ग्लास रॉड है, अर्थ ग्लास रॉड को जब आप वोल के साथ रगड़ते थे या दूसरे में दूसरे किसी मैटर के साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ा गया तो वो भी जो है आपको रिजिनियस चार्ज देना शुरू कर दिया। अंबर को किसी दूसरे के साथ रगड़ा गया रब किया गया, फ्रिक्शन दिया गया, तो वो भी कुछ जो है सो आपको विट्रियस चार्ज देना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में जा करके एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि ये तो मिक्स कर जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए नाम को चेंज कर दिया गया और उसके बाद विट्रियस और रिजिनियस चार्ज के कॉन्सेप्ट को हटा करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट को ला दिया गया। अब यहाँ समझो कि जब आप चार्ज और मास बोल रहे हैं कि दोनों ही चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी होता है कि चार्ज और मास दोनों इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है वो समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास हम मान लेते हैं m है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो क्या होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने घुसाया तो दो इलेक्ट्रॉन जब इसमें इंटर करेगा तो कम से कम इतना मास तो लेकर के आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रॉन अपना मास तो लेकर के आएगा, तो कुछ ना कुछ तो इसका मास इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में इस बॉडी का जो मास है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, इस बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर मान लीजिए दूसरा कोई बॉडी आप लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, अगर मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि मास में से बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मास से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो कम से कम इतना चार्ज लेकर के जाएगा अपना, तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ बॉडी When a body is given a charge, जब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है, then its mass increases. तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, but
when a body loses a charge, जब कोई बॉडी क्या करता है चार्ज को लूज करता है, या बोल सकते हैं आप यहाँ पे गिवन की जगह आप चाहें तो यहाँ पर गेन भी लिख सकते हैं, जब कोई बॉडी वेन अ बॉडी गेन अ चार्ज या वेन अ बॉडी इज गिवेन अ चार्ज, जब किसी बॉडी को आप चार्ज दे रहे हैं या कोई बॉडी को चार्ज मिल रहा है तो उसका मास बढ़ेगा, और जब किसी बॉडी से चार्ज लूज कर रहा है तो उसका मास क्या हो जाएगा, लूजेज अ चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजे, तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको आप चार्ज देते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल आप दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जब आप इस बॉडी को चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या से प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो उस कंडीशन में ये बॉडी जिसका मास बढ़ रहा है वो कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो प्रोटॉन तो है ही न्यूक्लियस में, जब न्यूट्रल रहता है कोई भी एटम तो क्या होता है उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बॉडी है उसमें क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरी था और बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल क्लास थी आपको चार्ज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक थ्योरी है, यानी कि उसको आप बोल सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, उसको आप बोल सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से, किस तरह से हम लोग जो है सो चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और कोई डाउट हो तो आप बताएँ। थैंक यू।